प्रधानमंत्री जी जो घोषणा करते हैं उसको ठीक प्रकार से क्रियान्वित करते हैं। कबीर जी की पुण्य भूमि निश्चित रूप से आज के परिवेश में अपने चरमोत्कर्ष पर है। पुराने समयों में लोग अपने अपने गांव का विकास करते थे, अपने जिले का विकास करते थे। योगी सरकार ने जहां गोरखपुर का विकास किया है, वहीं पूरे प्रदेश का हित चिंतन किया, ख्याल रखा है। जितनी भी पुराने समय की घोषणाएं थी उन सबको पूर्ण करने के बाद ठीक प्रकार से संतुलित बजट सभी का हित करने वाला बजट है। लखनऊ के भी आधे अधूरे काम को योगी सरकार ने ही पूरा किया है। लोगों को जोड़ने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। योगी सरकार का आखिरी बजट आ गया है और यह बजट पांचवा है, और जिस तरीके से ठीक एक साल बचे हुए हैं चुनाव में, अगर इस महीने की हम बात करें तो यही वो मार्च का महीना है जो अगले साल तय हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बन के आ रहा है। हमारे साथ श्री राम चौहान जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। अगर बात किया जाए ज़मीन से जुड़ने की, तो ज़मीन का जो तमाम नब्ज होता है वो ये बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। सर, एक साल बचा है चुनाव में, पाँचवा बजट आ गया है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पाँचवा जो बजट है वह जनता के विरोधी है, जनता के खिलाफ है। आप क्या कहना चाहेंगे, विपक्ष को क्या जवाब देंगे? योगी सरकार का पांचवा बजट निश्चित रूप से करमुक्त बजट है, सभी के कल्याण का बजट है। इसे नौजवान, व्यापारी, बुद्धिजीवी, सब किसान, मजदूर सबके हित का चिंतन इस बजट में किया गया है। निश्चित रूप से इस बजट में जितनी भी पुराने समय की घोषणाएं थी उन सबको पूर्ण करने के बाद ठीक प्रकार से संतुलित बजट सभी का हित करने वाला बजट है। निश्चित रूप से इससे हर क्षेत्र में प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा और सबका कल्याण इस बजट में निहित है। लेकिन सर, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो मंडल है उस मंडल की व्यवस्था वो नहीं सही कर पा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सही कर पा रहे हैं, वहाँ पे मेट्रो नहीं दे पा रहे हैं, इस तरह की विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो जनता है वो बैठी हुई है जवाब देने के लिए। अभी मेट्रो के काम कई महानगरों में प्रारंभ हुए हैं, लखनऊ के भी आधे अधूरे काम को योगी सरकार ने ही पूरा किया है। आगरा, बनारस, कानपुर जैसे महानगर में शुरू हो गया है, गोरखपुर में भी शुरू हो जाएगा। यह बजट में इन सब चीज़ों का प्राविधान किया गया है। गोरखपुर का भी चतुर्दिग विकास हो रहा है, वहाँ पर चिड़ियाघर की स्थापना हुई है, अभी जो रामगढ़ ताल है उसका ठीक प्रकार से सौंदर्यीकरण किया गया है। नेपाल जाने वाले लोग यहीं सहजनमा पे मुड़ जाएं, सीधे जो है जा सकते हैं। हर तरफ से गोरखपुर का ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। पुराने समयों में लोग अपने अपने गांव का विकास करते थे, अपने ज़िले का विकास करते थे, लेकिन योगी सरकार ने जहां गोरखपुर का विकास किया है वहीं पूरे प्रदेश का हित चिंतन किया, ख्याल रखा है। इसलिए सर्वदूर इस व्यापक बजट की व्यापकता ये सराहना है, प्रशंसा है। सर, अगर अपने क्षेत्र की बात की जाए, संत कबीर नगर की हम बात की जाए, तो संत कबीर नगर एक छोटा जिला है और पिछड़ा जिला है। अगर उस जिले की विकास की बात करें तो आप किस तरीके से देखते हैं संत कबीर नगर के विकास को? संत कबीर नगर भी उत्तर प्रदेश में ही आता है, बोलिए वहाँ पर भी प्रदेश की विभिन्न योजनाएँ लागू हैं। संत कबीर नगर जिले में एक बढ़िया उद्यान विभाग के द्वारा लोगों को टहलने घूमने के लिए पार्क की व्यवस्था हो रही है। जितने भी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, सांस्कृतिक प्राचीन धरोहर हैं, उन सब का भी तीव्रता के साथ उत्थान विकास हो रहा है। संत कबीर नगर में कुआनो नदी पर ही और बनकटा घाट का पुल जो बहुत दिनों से लंबित पड़ा था वो बन रहा है, एक पुल राप्ती नगर नदी पर बन रहा है। लोगों को जोड़ने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। गांव-गांव सड़कों से जुड़े, कोई भी गांव अछूता न रहे, सरकार की प्राथमिकता है, तो इस दिशा में भी भारी प्रयास प्रयत्न हो रहा है।
अगर संत कबीर नगर जी की बात करें तो उनका नाम भी संत कबीर जी के ऊपर है। कहा जाता है जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे वहां पे मगहर, और उन्होंने कहा था कि वहां के लिए बजट भी दिया था और कहा था कि इसका बहुत अच्छा उद्धार कराया जाएगा और पर्यटक के रूप से काफ़ी मजबूत बनाया जाएगा। आपको क्या लगता था कितना मजबूत हो पाया पिछले 4 सालों में संत कबीर नगर? संत कबीर नगर मजबूत हुआ है, जहाँ तक संत कबीर नगर मगहर की बात है तो प्रधानमंत्री जी जो घोषणा करते हैं उसको ठीक प्रकार से क्रियान्वित करते हैं। आज जा कर के देखेंगे तो संत कबीर नगर की जो मगहर स्थली है, उनकी पुण्य भूमि है संत कबीर नगर जी की, वह पूरी तरह से बदला हुआ नज़र आएगा। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त म्यूजियम, पुस्तकालय, वाचनालय ये सब बन करके खड़ा है, उद्घाटन करने के लिए आतुर है। चारों तरफ से बाउंड्री जो यहाँ पर आए थे इन सब चीज़ों का निर्माण हो रहा, विभिन्न प्रकार के आयामों को व्यक्त करता हुआ कबीर जी की पुण्य भूमि निश्चित रूप से आज के परिवेश में अपने चरमोत्कर्ष पर है। जो चीज़ बाकी जगह नहीं दिखेगी वो आपको मगहर में दिखाई दे जाएगी, और जाने के बाद दिखाई देगा कि वहाँ पर इस सरकार ने क्या किया है। अद्भुत नज़ारा है मगहर का। देखिए, हमारे साथ श्री राम चौहान जी थे, मंत्री हैं और पुराने नेता हैं जमीन से जुड़े हुए। उन्होंने बताया किस तरीके से काम हो रहा है उनके क्षेत्र से लेकर पूर्वांचल में, वह पूर्वांचल का क्षेत्र जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार किस तरीके से काम की है। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।